वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेविंग चैनल दिवाशेष में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। यार, आज जो प्रोडक्ट्स मैं लेके आया हूं उनके प्रति थोड़ा सा एक्साइटमेंट आज मेरे को ज्यादा है। उसका रीजन है उनकी स्मेल, उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी सेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी शो द प्रोडक्ट्स फर्स्ट। सो आज जो प्रोडक्ट है ये शेविंग सोप है फ्रॉम द हाउस ऑफ शिवोलॉजिस्ट, और यू कैन सी नो एक फ्रेंच वर्ड है, नो दिस इज फुजियन, फुजियन ब्रूट। अब ब्रूट जो है आफ्टर शेव्स और परफ्यूम्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आपने इनका नाम काफी सुना होगा। उनकी एक आइकनिक बॉटल भी आती थी, या आती है मैं कहूँगा, और वो ग्रीन रंग की होती है और उसमें एक मेडेलियन ऐसा बना होता है। मैं अपने को क्यों लगा रहा हूँ, मैं मेडेलियन उसमें एक बना रहता है बॉटल में ही। तो ब्रूट जो है एक आइकनिक जो है ब्रांड है, और उसी में जो है जो उनके क्या कहते हैं परफ्यूम्स हैं ये 1962 में लॉन्च किए गए थे बाय अ कंपनी कॉल फैबर्ज। उसमें लिखा होता है उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है फैबुजे। और ये जो यू नो फ्रेग्रेंस है इट हैज द नोट्स ऑफ लेवेंडर, बेसिल, सिट्रस और कहीं ना कहीं कुछ वुडी जो है वो जो है इसमें इनका मिक्स होता है। लेमन, बर्गामॉट, इन सब की जो है कॉन्कॉक्शन जो है, इन सब का जो मिक्सचर है वो एक ब्रूट की जो है एक आइकनिक परफ्यूम है। और ये जो फुजिया है ये भी एक परफ्यूम रही है, 1882 में इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम द हाउस ऑफ यू नो होमीगेंट, ऐसा कुछ एक नाम है कंपनी का, एक परफ्यूमरी 1882 में फ्रांस में। और जो फुजिया का मतलब होता है अ रॉयल फर्न, फर्न इज नोन एज अ प्लांट। तो बहुत सारी नॉलेज मैंने आपको दे दी। मुद्दे पे आते हैं भाई, परफ्यूम बहुत अच्छी है, जिन लोगों ने ब्रूट की स्मेल को सूंघा है उन्हें पता है कि वो क्या चीज़ है। तो जल्दी से मैं इसको दिखाता हूँ आपको। सो यू कैन सी दिस इज अ हार्ड सोप, थोड़ा सा, हाँ यस इट्स अ हार्ड सोप। अतुल चड्ढा जी, आप ऐसी परफ्यूम्स और ऐसे सोप कैसे बना लेते हो? मैं हमेशा सोचता था कि ये ब्रूट की जो है, मैंने आफ्टर शेव पहले भी यूज किए हैं, इसके शेविंग फोम्स भी यूज किए हैं, ब्रूट के जो है डीओ भी यूज करे हैं। अब पता नहीं वो इंडिया में जहां से हम लेते थे असली थे नकली थे, मगर मैं हमेशा सोचता था कि इनका शेविंग सोप कभी आएगा। तो यस ऐसा सोचा, और अतुल चड्ढा जी ने वो अपने लेबोरेटरी में तैयार कर दिया। तो बिल्कुल वैसी स्मेल है, काफी कुछ बिल्कुल वैसी स्मेल है। सो आज मैं इस सोप का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ, एंड नो डाउट अबाउट दैट यू कैन सी द फैंटास्टिक लेबल। और अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो shavingkit.in में जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब जब ब्रूट की बात चल रही है तो फिर पोस्ट शेव में आज इसी को यूज करेंगे। अब ब्रूट जो है ये फैबुजे नाम की कंपनी इसको 1962 में लॉन्च किया था, मगर अभी ये जो है जो ब्रूट है ये पूरा का पूरा जो ब्रांड है ये यूनिलीवर के पास है। ये मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज दिस आफ्टर शेव एंड माय शेविंग टूल पर्ल L55। इट्स अ हेफ्टी रेजर, वन ऑफ माई फेवरेट्स, इट्स यू नो क्लोज कॉम रेजर। और इसको आज मैं लोड करूंगा जिलेट विल्किंसन स्वॉर्ड ब्लेड से। तो आज इस ब्लेड का पहला इस्तेमाल होगा। सो यू कैन सी विल्किंसन स्वॉर्ड, वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड माई गो टू ब्लेड। तो इसको फटाफट लोड कर लिया, अलाइनमेंट इज फैंटास्टिक और ओवरहैंग ब्लेड का थोड़ा सा है। सो बहुत ही शानदार इधर ये, एंड ब्रश आई एम गोइंग टू यूज टुडे इज Roma 7 जो है रेजिन ब्लैक। इट्स अ सिंथेटिक ब्रश एज यूजुअल।
तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की शेविंग। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी प्री शेव क्रीम और ऑयल टुडे। मैंने इस सोप को कोई भी ब्लूम भी नहीं किया है। तो 15-20 स्वर्ल्स, 1, 2, 3, 4, सो दैट्स इनफ। चलिए लेट्स स्टार्ट लादरिंग। ओह माय गॉड, क्या खुशबू है। या पता है एक चीज, आधा शेविंग का मजा ये, जो क्लासिक लेजेंडरी परफ्यूम्स के जो नोट्स होते हैं वो बढ़ा देते हैं। मेरा पूरा शेविंग डेन और आसपास का जो एरिया है वो इस फ्रेग्रेंस से महक रहा है। अभी आज की जो मेरी बियर्ड है वो 2 दिन पुरानी है। You can see the lather is not too voluminous. But it is doing its job. और इनके पहले भी मैं सोप यूज कर चुका हूं, उसमें एक ये इंग्रेडिएंट डालते हैं टसा सिल्क, उससे जो स्लिकनेस आती है वो बहुत ही अलग लेवल की आती है। सो रियल बटर क्रीमी टेक्सचर एंड पोस्ट शेव फील रिमेन्स ऑसम। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इस सोप के साथ भी ऐसा ही होगा। सो दैट्स इनफ फॉर लादरिंग। क्लियरिंग द साइडवेज। ये सारे यूट्यूबर्स यही बोलते हैं, बिल्कुल शेविंग वाले ऑफ कोर्स। पर्ल L55 क्लोज कॉम रेजर लोडेड विथ विल्कनसन सोर्ड ब्लेड, और इस ब्लेड का पहला इस्तेमाल। लेट्स सी फर्स्ट पास विद द ग्रेन। देखिए जिन लोगों ने वेट शेविंग अभी अभी शुरू की है उनकी एक शिकायत बार बार आती है मेरे पास कि सर आपके कहने पे चालू तो की, मगर पोस्ट शेव फील जो होती है वो बहुत ही
जलन होती है हमको, इरिटेशन बहुत होता है स्किन में, नेक एरिया में, इस एरिया में, तो ये लाजमी है ऐसा होगा। तो वो हमेशा पूछते हैं कि सर आप लोगों को भी ऐसी रहती है जलन? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होती। उसका एक रीज़न है क्योंकि आप लोग जो है अभी मल्टी कार्ट्रिज जो रेजर है उनसे इसमें शिफ्ट हो रहे हो, उसमें आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हो और उसके बाद आप जो है रेजर को ग्लाइड करते हो। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी प्रेशर मत नहीं लगाना है आपको, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो लेट द वेट ऑफ द रेजर एज वेल एज द ग्रेविटी डू इट्स वर्क। और बहुत हल्का हाथ रखिएगा, शुरुआत में आपको बहुत महंगे रेजर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस विथ सिंपल, नॉट सो वेरी एक्सपेंसिव रेजर्स। और फिर एक बार आपका हाथ सध जाए फिर आप थोड़े हैवी और महंगे रेजर्स की तरफ जा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी शुरुआती दौर में जब मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू किया था मैंने आपको कहा था कि वेट शेविंग और ड्राई शेविंग, मल्टी कार्ट्रिज शेविंग में वही फ़र्क है जो एक फास्ट फूड जॉइंट या फास्ट फूड रेस्टोरेंट में और एक एक जो है एक बहुत ही बढ़िया एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में जाके भोजन करने में फ़र्क है। फास्ट फूड में आप जाके बस पैसे दे देते हो, यू आर वेटिंग इन द लाइन फॉर योर कूपन आपके पास होता है, उसके बाद आपका नंबर आता है, फटाफट अपना बर्गर पिज्ज़ा वगैरह खा लेते हो। मगर एक डाइनिंग एक्सपीरियंस जो आपको एक बढ़िया फर्स्ट क्लास एक अच्छे एम्बियंस वाले रेस्टोरेंट में होता है वही एक्सपीरियंस जो है आप वेट शेविंग में लेते हो। तो उन दोनों को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए और हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मजबूरियाँ भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेट शेविंग ही बहुत ही बेहतरीन है, जो लोग के पास टाइम नहीं होता, भागा दौड़ी की जिंदगी जीते हैं वो शायद बिल्कुल सही जस्टिफाई करते हैं कि फोम बेस मल्टी कार्ट्रिज शेविंग इज गुड फॉर देम। और जब आप वेट शेविंग से जुड़ते हो तो आपको पता लगता है कि कितनी अलग तरह की और कितनी गजब दुनिया है ये, क्योंकि फिर आपके दरवाजे खुलते रहते हैं रेजर्स, सोप्स, प्री शेव, पोस्ट शेव, फेस वॉश, फ्रेग्रेंसेस, और फिर वहाँ पे आप दरवाजे में नॉक करते हो और पैसे निकालते रहते हो, निकालते रहते हो, निकालते रहते हो। क्योंकि मैंने तो यही किया जब मैं इसमें आया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा सस्ता पड़ेगा मेरे को, मगर मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए। मगर यार ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इट्स अ फैक्ट। तो इतना मेहनत करते हो, अपने लिए कमाते हो, तो अपने लिए खर्च करने में कोई गलत बात नहीं है। यस, तो आज मैं दो पास ही करूंगा, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट की लग भी नहीं रही है। बिल्कुल ही सिल्कन लेदर है, अलग ही फील है इस लेदर की। यू कैन नॉट कंपेयर दिस लेदर विथ शेविंग क्रीम जो ट्यूब में आती है वाली, ये बहुत अलग लेवल का आपको फील और एक्सपीरियंस देता है। चलिए सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन।
बहुत ही बढ़िया रेजर है और इसके साथ विल्किंसन सोर्ड जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो विल्किंसन सोर्ड ब्लेड जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है हर बार। Superbly fantastic, totally BBS quality shave, and yes, no doubt, this soap is supremely slick. अगर मैं अभी कोई भी आफ्टर शेव व्याम ना लगाऊं तो मुझे लगता है चलेगा, मगर हम तो लगाएंगे बिगड़े में जो है। सो लेट मी वॉश माई फेस। अलम ब्लॉक अभी अभी आज ही निकाला है मैंने, कल परसों मैं शेव कर रहा था और उसके बाद जब मैंने अलार्म लगाया मेरे हाथ से स्लिप हुआ और वो पूरा का पूरा टूट गया। और उसके बाद मैंने उसको फिर धो के लगाया तो उसमें एक शार्प एज थी, उससे मेरे को हल्का सा इरिटेशन हुआ। फिर मैंने उसको क्या किया, फ्लश कर दिया पूरा अलार्म, फिर नया निकाला ये। कोई भी जलन, कोई भी इरिटेशन कुछ नहीं लग रहा है मेरे को इस समय। मजा आ गया। सो ब्रूट ओरिजिनल आफ्टर शेव, इस सोप की जो स्मेल है उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ। इनके और भी आते हैं, ब्लू में ओशन करके आता है, मस्क आता है इनका, बट मेरा फेवरेट तो यही है। सो इसका जो है ओपनिंग जो है काफी ब्रॉड है, तो एज यूजुअल उंगली लगा के this much is enough. Fantastic. मगर एक बात बताऊं, ये जो यूनिलीवर वाला ब्रांड है ना, जो ये अपना ब्रूट 360-400 के अंदर आ जाता है ये, मगर अगर ये आप ओरिजिनल लोगे ना तो वो 2,500 या 3,000 के बीच में आता है। वो जो स्मेल है वो इसमें तो नहीं है, बट हाँ है, ये ओरिजिनल ब्रूटी है, मगर परफ्यूम जो है थोड़ी डाइल्यूट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा टिकती नहीं, आधे घंटे या एक घंटा मैक्स, बट स्मेल काफ़ी कुछ उसी तरह की है। मगर वो अगर आपको अगर मौका मिले तो उस पर इन्वेस्ट करिएगा, मज़ा आ जाएगा। अभी मेरे पास भी नहीं है, जल्दी ही लेके आऊँगा और आपको मैं दिखाऊँगा और यूज़ करके उसके मज़े भी आपके साथ शेयर करूँगा। बिकॉज इसमें जो स्मेल है ये एक बहुत ही खालिस शुद्ध ब्रूट कि जो है वैसी तो नहीं है मगर अच्छी है। सो दोस्तों ये था आज का शेविंग वीडियो। दोबारा से मैं आपको आज के प्रोडक्ट्स दिखा दूंगा आपको, तो बहुत ही बेहतरीन तराशा हुआ जो है। अब आप देखो कितने ज्यादा मैं आपको संज्ञाएं और उपमाएं दे रहा हूं। तराशा हुआ एक बढ़िया क्वालिटी का, उमदे क्वालिटी का सोप फ्रॉम द हाउस ऑफ शिवोलॉजिस्ट विच इज प्रोमोटेड बाय अतुल चड्डा जी हमारे फेसबुक पे हैं। इनके बारे में, इस शॉप के बारे में डिस्क्रिप्शन में
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। और ब्रश जो है वो एज यूजुअल सिंथेटिक ब्रश बहुत बढ़िया है और बहुत ही किफायती दाम वाला ये ब्रश है। इट्स अ रीजन ब्लैक फ्रॉम द हाउस ऑफ रोमा 7 और वन ऑफ माय फेवरेट्स L55 एंड ऑफकोर्स पोस्ट शेव ब्रूट ओरिजिनल आफ्टर शेव। ये सोप और ये आफ्टर शेव अगर आपको ऑर्डर करने हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे shavingkit.in एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है शेवर्स लोगों के लिए, वहां पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। सो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए सदा खुश रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, जिंदगी के पूरे हर मोमेंट में मजे लीजिए, बड़े गोल्स रखिए, गोल्स के पीछे भागिए मत बट उनको अपने जहन में रखते हुए उनके ऊपर हार्डवर्क करिए। जो चीज होगी आपकी अभिलाषा है वो ईश्वर भगवान करे आपको हमेशा मिले। इससे ज्यादा सेंटी डालों और मैं नहीं मारूंगा, मगर जो कुछ भी मैंने कहा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ तो दम है यार। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।